दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डीसी एंड एसी ब्रिजेस के बारे में देखने वाले हैं, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक जेई और डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन से। जी हाँ दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग और देखेंगे एक एक्स्ट्रा टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ रजिस्टेंस। लाइक लो रजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, हाई रजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, और फिर मीडियम रजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए ही शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। और आप ये जरूर कह सकेंगे कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से ही दे सकेंगे, मैं ये गारंटी के साथ आप लोगों को बता सकूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पीडीएफ नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको रिविज़न करने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अच्छे क्लासेस और वीडियोस पाने के लिए पूरा टोटली सिलेबस वाइज ये मेरा लेक्चर होता है, और पॉइंट टू पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब लेकर के मैं वीडियो आप लोगों को बनाता हूँ। तो काफ़ी कंटेंट मैं कलेक्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। जी हाँ दोस्तों, जिसमें अगर हम रेजिस्टेंस को कैटेगराइज करें लो रेजिस्टेंस को, तो लो रेजिस्टेंस की जो कैटेगरी होती है दोस्तों, लेस देन 1 ओम के रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। और अगर मीडियम रेजिस्टेंस की बात करें, तो 1 ओम टू 1 मेगा ओम के रेजिस्टेंस को मीडियम ओम में कहेंगे, और हाई रेजिस्टेंस को ग्रेटर देन 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस हम कहेंगे। जो दोस्तों, ये रेंज भी पूछा गया है कि हाई रेजिस्टेंस किस रेंज में आएगा। तो दोस्तों, आपको मेजरमेंट का प्रोसीजर नहीं देखना है, ये आईएएस का पूरा टॉपिक बन जाता है, कैसे हम उसको मेजर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो ब्रिजेस के बारे में, कैसे वो बैलेंस कंडीशन में होता है, जिससे आपको अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप उसे बहुत ही आसानी तरीके से कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, जैसा आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब भी इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं, तो इसको बैलेंस कंडीशन में रखते हैं। बैलेंस कंडीशन दोस्तों इसलिए रखते हैं ताकि ये जो गैल्वेनोमीटर के बीच में है, वो करंट उसमें जीरो फ्लो करे, तभी वो क्या होगा, ये बैलेंस कंडीशन में होता है। आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन काफ़ी पास है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जनरली जो अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है यहाँ पे, तो बैलेंस कंडीशन के केस में ये आमने सामने के जो रेजिस्टेंस हो या फिर इम्पिडेंस हो, उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। लाइक सी और एस को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो इम्पिडेंस होगा वो इक्वल होगा आर एंड एस के इम्पिडेंस से। लाइक अगर ये बैलेंस कंडीशन में है दोस्तों, तो यहाँ पे जेड ऑफ पी मल्टीप्लाई बाई जेड ऑफ एस इक्वल्स टू जेड ऑफ आर इंटू जेड ऑफ क्यू। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा बैलेंस कंडीशन में। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। लाइक अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, तो उस इक्वेशन से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकेंगे, एक अननोन इसमें रहता है। आर की वैल्यू क्या है, तो उससे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें यहाँ पे, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो कुछ इस फॉर्म में ये बनेगा। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जैसा बैलेंस ब्रिज जो है, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तब आएगा जब उस जो गैल्वेनोमीटर है उसके थ्रू जो करंट हो वो क्या हो, जीरो हो। करंट क्या फ्लो करे दोस्तों, जीरो फ्लो करे, और ई वन इक्वल्स टू ई टू हो। ई वन इक्वल्स टू ई टू मीन्स अगर आप इस फिगर में देखें, तो ये आप देखेंगे ये ई वन इक्वल्स टू ई टू हो, ये बैलेंस कंडीशन का, और ई थ्री इक्वल्स टू ई फोर हो। ये कुछ कंडीशन है बैलेंस होने के ब्रिज के। अगर ब्रिज बैलेंस में है तो ये कुछ कंडीशन है, ये होने ही चाहिए, और ये अगर ब्रिज बैलेंस में है तो ऐसा निकल के आता भी है। तो एट बैलेंस कंडीशन जो वोल्टेज होगा दोस्तों, सॉरी जो करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर के केस में, वो जीरो होगा, और ई वन इक्वल्स टू ई टू होगा, और ई थ्री इक्वल्स टू ई फोर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे आई वन पी इक्वल्स टू आई टू आर, ये भी आप यहाँ पे देख सकेंगे दोस्तों। आई वन पी इक्वल्स टू
I2R। यहाँ इस पूरे ब्रांच, अगर यहाँ पे दोस्तों करंट जीरो फ्लो कर रहा है तो ये पूरा करंट ऐसे इधर ही जाएगा, इसमें कोई करंट ही नहीं आ रहा है, सेम मैनर में यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे ये जैसा कि दिया है, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का भी वोल्टेज बराबर होगा, ठीक है। यहाँ का भी वोल्टेज VB एंड VD भी इक्वल्स होंगे, इतना आपको नहीं जानना है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ इतना आपको जानने की ज़रूरत है। तो ऐसे कोई भी ब्रिजेस आएंगे उसका आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे। तो दोस्तों जो यहाँ से मैं सीधे वो उन क्वेश्चंस पे लेके चल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि लो रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मैं सिंपल सीधे मैं वहाँ पे आप लोगों को लेके चलना चाहूँगा। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, वो डायरेक्टली जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, मेजरमेंट मीडियम रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है दोस्तों वो वाई व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, मीडियम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू होता है और मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस केल्विन डबल ब्रिज के थ्रू होता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिए, लो रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है वो केल्विन डबल ब्रिज के थ्रू होता है और मीडियम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू होता है। अब अगर बात करें हाई रेजिस्टेंस की, तो मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज डन बाय लॉस ऑफ चार्ज मेथड, दैट इज मैगर मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड एंड मेगा ओम ब्रिज मेथड। ये आपको याद करने की ज़रूरत है तीन पॉइंट यहाँ से, कि हाई रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड से मेजर कर सकते हैं या फिर मेगा ओम ब्रिज के थ्रू हम उसका रेजिस्टेंस का, हाई रेजिस्टेंस का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और मीडियम रेजिस्टेंस की बात करें तो व्हीट स्टोन ब्रिज, और लो रेजिस्टेंस की बात करें तो केल्विन डबल ब्रिज के थ्रू हम इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब अगर जनरली देखा जाए रेजिस्टेंस को, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दो टर्मिनल के रेजिस्टेंस होते हैं जैसा कि हम लोग सभी सर्किटरी में देखते हैं, वो मीडियम रेजिस्टेंस कहलाते हैं, ठीक है, वो मीडियम रेजिस्टेंस कहलाते हैं। और जो चार टर्मिनल के रेजिस्टेंस होते हैं, चार टर्मिनल के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो दोस्तों लो रेजिस्टेंस कहलाते हैं। चार टर्मिनल वाले रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस कहलाते हैं, जिसमें ये दो टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल होता है और ये दो टर्मिनल करंट टर्मिनल होते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों हाई रेजिस्टेंस की बात करें, तो हाई रेजिस्टेंस को हम थ्री टर्मिनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। हाई रेजिस्टेंस को थ्री टर्मिनल रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस को फोर्थ टर्मिनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप याद रखिएगा। और हाई रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, मीडियम रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, और लो रेजिस्टेंस को केल्विन डबल ब्रिज के थ्रू मेजर करते हैं। अब दोस्तों अगर हाई रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये थ्री टर्मिनल रेजिस्टेंस होता है और इसमें एक गार्ड टर्मिनल होता है, ठीक है, एक गार्ड टर्मिनल होता है थ्री टर्मिनल रेजिस्टेंस में, जो कि यूज होता है बाईपास द लीकेज करेंट। लीकेज करेंट को बाईपास करने के लिए ये तीसरा टर्मिनल जिसे गार्ड टर्मिनल बोलते हैं उसका यूज होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम दोस्तों हम देखेंगे एसी ब्रिजेस के बारे में, उसका कुछ एक बेसिक जो होगा पहले मैं वो दिखाऊंगा, फिर सीधे आप लोगों को शॉर्ट नोट पे लेके चलूंगा जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए वो शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए हैं। दोस्तों अगर एसी ब्रिजेस की बात करें, तो एसी ब्रिजेस में अगर सेल्फ इंडक्टेंस ब्रिज की बात करें, तो उसमें दोस्तों इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज आता है, मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपेरिजन ब्रिज आता है, हेज ब्रिज आता है, एंडरसन एंड ओन्स ब्रिज आते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और कुछ वो पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिससे आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। अगर कैपेसिटेंस ब्रिज की बात करें दोस्तों, तो डी सॉर्टी ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज, और फ्रीक्वेंसी ब्रिज की बात करें तो वेन्स ब्रिज आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, वो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को दोस्तों जो एसी ब्रिजेज होते हैं, वो जस्ट आपने डीसी ब्रिज देखा व्हीट स्टोन ब्रिज, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लाइक रेजिस्टेंस के प्लेस पे हम लोग कैपेसिटेंस या फिर इंडक्टेंस प्लेस कर देते हैं तो वो एसी ब्रिजेज बन जाते हैं। उनके कुछ कंडीशन तो क्या रहते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसी ब्रिजेज इज़ अ नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज एंड इन इफेक्ट कंटेन फोर आर्म्स, अ डिटेक्टर एंड अ सोर्स, ठीक है। द वेरियस सोर्सेज यूज इन एसी ब्रिजेज आर पावर लाइन, ये सब थ्योरी है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं।
अब लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें द वेरियस डिटेक्टर यूज इन एन एसी ब्रिज, क्या टेलीफोन डिटेक्टर्स जिसे हेडफोन्स बोलते हैं आपने प्रैक्टिकल किया होगा, वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एंड ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर एंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स, ये डिटेक्टर्स यूज होते हैं एसी ब्रिजेस में जनरली। आपने अपने डिग्री के प्रैक्टिकल में भी ये सब किया होगा। अब अगर दोस्तों हम बात करें एक एसी ब्रिज का, तो ये आपको एसी ब्रिज आप सीधे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपने व्हीट स्टोन ब्रिज में देखा था, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे, लेकिन अगर अब यहाँ पे एसी ब्रिज में दोस्तों हम क्या करेंगे, इम्पीडेंस यूज कर रहे हैं। इम्पीडेंस दोस्तों क्या हो सकते हैं, इम्पीडेंस जनरली या तो सीरीज या फिर पैरेलल कम्बिनेशन हो सकते हैं रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस के, ठीक है। उनको हम अगर इम्पीडेंस के फॉर्म में लिखे तो जनरलाइज अगर करें यहाँ पे तो Z1, Z2, Z3 एंड Z4, तो सेम मैनर में जैसा हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में देखा, तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z4 इक्वल्स टू Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z3, ये भी यहाँ बैलेंस कंडीशन में हो जाता है। जैसा कि आप देख सकेंगे बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, ये डिटेक्टर के अंदर जो करंट आएगा वो जीरो आएगा, तो ये पूरा करंट इधर जो फ्लो करेगा और इधर वो करंट फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा। इस ब्रांच में जो करंट जो Z1 में फ्लो करेगा वही Z3 में करेगा, और जो Z2 में करेगा वही Z4 में करेगा। तो यहाँ से आप देख सकेंगे वोल्टेज एट पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज एट पॉइंट डी, ये सब कुछ कंडीशंस हैं। और जब ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा दोस्तों, तो E1 इक्वल्स टू हो जाएगा E2 के और E3 इक्वल्स टू हो जाएगा E4 के, ठीक है। ये कुछ बैलेंस कंडीशन में रिजल्ट निकल के आते हैं सामने। इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैलेंस कंडीशन होगा तो क्या क्या उसके कंडीशंस हो सकते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व करेंगे। एक ब्रिज में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ऐसे अगर न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करें। सिंपली एक एक कंडीशन और दोस्तों, इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया ये इम्पिडेंस है, तो इसके साथ कुछ दोस्तों फेज भी हो सकता है। Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 इक्वल्स टू सॉरी Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z4 इक्वल्स टू Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z3, ये इम्पिडेंस है, लेकिन इसके कुछ फेज होंगे। आप जानते हैं कि फेज जनरली मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे जो फेज होगा दोस्तों, ये अगर फेज ऑफ 1 प्लस फेज ऑफ 4 इक्वल्स टू हो जाएगा फेज ऑफ 3 प्लस फेज ऑफ 2, ठीक है। इसका फेज जैसा कि आपने देखा मल्टीप्लीकेशन में, इसका इम्पिडेंस से मल्टीप्लाई करके इसके इम्पिडेंस इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर फेज की बात करें तो इसका इम्पिडेंस प्लस इसका इम्पिडेंस बराबर होगा इसके इम्पिडेंस के फेज के, सॉरी मैंने इम्पिडेंस बोला, ये इम्पिडेंस का फेज इसके इम्पिडेंस के फेज से और इसके इम्पिडेंस के फेज के। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 विल बी इक्वल्स टू J होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z4 इक्वल्स टू Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z3, या फिर यहाँ पे प्लस रहेगा, और फेज ऑफ 1 प्लस फेज ऑफ 4 इक्वल्स टू फेज ऑफ 2 प्लस फेज ऑफ 3, ये कंडीशंस रहेंगे बैलेंस कंडीशन के बाद, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों एक ब्रिज लेके मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे वो Z1 और Z2 वाला कंडीशन आप समझ जाएंगे और कोई भी न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कंपैरिजन ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे जो Z1 की वैल्यू हो जाएगी, ये L1 दिया हुआ है दोस्तों और ये R1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर इसको हमको Z1 के फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ पे Z1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, J ओमेगा L1 प्लस R1, ठीक है। ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, Z1 हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो Z2 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, J ओमेगा L2 प्लस R2, ये Z2 की वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए ये ब्रिज है, इसके बाद बैलेंस कंडीशन में क्या होगा आप देख सकेंगे, यहाँ पे Z1 इक्वल टू ये हो गया, Z2 इक्वल टू हो गया, एंड Z3 R है रेजिस्टेंस ही है तो ये हो गया। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, ये Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z4 इक्वल्स टू Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z3, ये हुआ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आप लोग को सामने दिख जाएगा,
ठीक है, आप उसके बाद जो सॉल्विंग का प्रोसेस होता है आप खुद से कर सकेंगे बहुत ही इजीली तरीके से, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में इक्वेशंस बनेंगे, और जो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली दोस्तों, ये पूछे जाते हैं इसमें कुछ अननोन दे देगा और उसकी वैल्यू वो पूछ लेता है। तो अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो सिंपली आपको ऐसे अप्लाई करना है और अननोन की वैल्यू निकाल लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा जब ये मल्टीप्लाई हमने किया Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z4 एंड Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z3, उसको इक्वेट किया, तो यहाँ पे रियल पार्ट को एक बार इक्वेट किया गया है, ठीक है। फिर इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट को जब इक्वेट किए दोस्तों तो वहाँ से R1 की वैल्यू इतनी आ गई, और जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किए तो यहाँ से L1 की वैल्यू इतनी आ गई। तो इससे दोस्तों R1 और L1 की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग ये AC ब्रिजेस का यूज़ करते हैं। अब हम दोस्तों ज़्यादा टाइम डिटेल में ना जाते हुए हम इससे वो पॉइंट्स देखेंगे जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सीधे हम उस पेज पे चलते हैं, सीधे उस टेबल उस शॉर्ट नोट पे चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। प्लीज़ उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों ये ब्रिज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि अभी मैंने उसी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा, मैक्सवेल इंडक्टेंस कंपेरिजन ब्रिज था इसका नाम। दोस्तों जो ये नेम है इसके नेम के साथ साथ इसको भी ब्रिज का कहाँ L1 L2 कैसे लगा है इसे याद करने की कोशिश करिएगा। जब हम उसे सिंप्लीफाई किए तो यहाँ से R1 की वैल्यू पता चली और L1 की वैल्यू पता चली थी। तो यहाँ पे अगर ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कंपैरिजन ब्रिज है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, L की वैल्यू मेजर करते हैं, मीन्स इंडक्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपने इस एक्सप्रेशन से ये भी देखा होगा कि मेजर L इन टर्म्स ऑफ L, ये क्या करता है, L को मेजर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ L में ही मेजर कर रहा है, ठीक है। मीन्स इंडक्टेंस को मेजर कर रहा है इंडक्टेंस के फॉर्म में ही, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज, अभी आपने क्या देखा, मैक्सवेल इंडक्टेंस कंपैरिजन ब्रिज देखा, अभी ये है आपके सामने मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिंपली Z2 क्या हो जाएगा, R2। और अगर Z4 की बात करें दोस्तों, Z4 की बात करें, यहाँ पे कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उससे पैरेलल कम्बिनेशन का हमें जेड निकालना है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको R1 की वैल्यू ये निकल जाएगा और L1 की वैल्यू ये निकल जाएगा। तो दोस्तों इसको क्या बोला जा गया है, मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपेरिजन ब्रिज। इससे जो यहाँ से आपने ये देखा होगा कि मेजर L इन टर्म्स ऑफ C, ये इंडक्टेंस को मेजर कर रहा है और किसके फॉर्म में मेजर कर रहा है, कैपेसिटेंस के फॉर्म में मेजर कर रहा है। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो यहाँ से और पूछा जाता है कि मीडियम क्यू कॉइल या फिर मीडियम क्यू कॉइल किसे कहे जाते हैं, यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम क्यू कॉइल, मीडियम क्यू फैक्टर को यूज़ करने के लिए। इससे क्वेश्चन ये बनते हैं कि इसका जो क्यू फैक्टर कितना होता है मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपेरिजन ब्रिज का, ठीक है। तो ये मीडियम क्यू कॉइल को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, मीन्स इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो 1 से लेके 10 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इसलिए इसको मीडियम क्यू कॉइल मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। इसका जो डिसएडवांटेज क्या था दोस्तों, मेडर डिसएडवांटेज यूज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस फॉर कंपैरिजन। यहाँ पे एक वेरिएबल कैपेसिटेंस का यूज होता है, वेरिएबल कैपेसिटेंस का यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए, इसलिए दोस्तों क्या था, ये मेजर डिसएडवांटेज था इस मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज का। तो आपको यहाँ से याद करने की क्या ज़रूरत है, मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज जो है मीडियम क्यू कॉइल मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट ब्रिज की बात करें हेज ब्रिज, दोस्तों इसको मैं याद करने का तरीका आपको क्लियरली ऐसे बताऊंगा, अब जैसे ही आप उसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हर जगह कॉमन है, जो चेंज हो रहा है दोस्तों वो R2 और Z2 में चेंज हो रहा है, आप देख सकेंगे यहाँ पे। अगर मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज की बात कर रहे हैं तो L1 R1 ये कॉमन है, यहाँ पे ये Z2 चेंज हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे ये Z3 चेंज हुआ है। सेम मैनर में हेज ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे जस्ट वो जो पैरेलल था इसी को रिमूव करने के लिए, यहाँ पे जो डिसएडवांटेज था इसको यहाँ पे सीरीज में कन्वर्ट किया गया है, और यहाँ पे वेरिएबल थे यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो हेज ब्रिज के जो एडवांटेजेज हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। वो L1 R1 की वैल्यू आप वहाँ से निकाल सकेंगे जैसे बैलेंस कंडीशन का देख के। अब दोस्तों अगर बात करें हम हेज ब्रिज मेजर L इन टर्म्स ऑफ C,
हेज ब्रिज भी क्या करता है, इंडक्टेंस का मेजरमेंट करता है, किसके फॉर्म में करता है, सी के कैपेसिटेंस के फॉर्म में करता है, यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू कॉयल। हेज ब्रिज जो होता है वो हाई क्यू कॉयल मेजरमेंट करने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद करने की ज़रूरत है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हे का एच लीजिए, हेज मीन्स एच यहाँ से लीजिए और एच यहाँ से लीजिए, हे हाई। ओके, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाई क्यू कॉयल मेजर करने के लिए या फिर हाई क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए किस इंडक्टेंस ब्रिज का यूज होता है, तो उसका आंसर दोस्तों क्या होगा, हेज ब्रिज। अब अगर नेक्स्ट ब्रिज की बात करें दोस्तों, एंडरसन ब्रिज की बात करें, तो एंडरसन ब्रिज क्या है, एंडरसन ब्रिज आपको यहाँ पे सिर्फ इसमें यही याद करने की ज़रूरत है कि एंडरसन ब्रिज मेजर एल इन टर्म्स ऑफ सी, जैसे कि अभी तक सभी मेजर कर रहे थे एल इन टर्म्स ऑफ सी। अगर दोस्तों मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज सॉरी इंडक्टेंस ब्रिज है, तो यहाँ पे इंडक्टेंस का ही मेजरमेंट होगा, वो या तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इंडक्टेंस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कैपेसिटेंस के फॉर्म में हो सकता है। तो पहले वाले में आपने देखा मेजर एल इन फॉर्म ऑफ एल, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मेजर एल इन फॉर्म ऑफ सी, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। और एंडरसन ब्रिज क्या करता है, यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ लो क्यू कॉयल, इस पॉइंट को आप याद रखिए बस और कुछ नहीं, और सब कुछ भूल जाइए एंडरसन ब्रिज के बारे में, सिर्फ इतना याद रखिए कि वो लो क्यू कॉयल को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि एंडरसन ब्रिज लो क्यू कॉयल को मेजर करने के लिए यूज होता है, राइट, और हेज ब्रिज क्या होता है, हाई क्यू कॉयल को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये दो चीज़ें आपने अगर देख लिया, तो लो मीडियम क्यू कॉयल कौन मेजर करता है, मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपेरिजन ब्रिज यूज का होता है लो क्यू कॉयल को मेजर करने के लिए। तो ये तीन पॉइंट्स आप याद रखिए, कौन हाई क्यू कॉयल को मेजर करने के लिए होता है, कौन लो क्यू कॉयल को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब अगर बात करें दोस्तों ओन्स ब्रिज की, तो ये ओन्स ब्रिज इधर पर दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपली ये कैपेसिटेंस Z2 को चेंज किया गया है और Z4 के प्लेस पे कैपेसिटेंस दिया गया है। ओन्स ब्रिज क्या करता है, मेजर L इन टर्म्स ऑफ C, यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ लो क्यू कॉयल। ओन्स ब्रिज भी लो क्यू कॉयल को मेजर करने के लिए यूज होता है। ओके, इतना आप याद रखिए बस, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों को PDF नोट्स देता रहूँ। अब अगर बात करें डी सॉर्टी ब्रिज की, तो डी सॉर्टी ब्रिज दोस्तों ये है, ये एरो के नोट्स शॉर्ट है इसलिए शॉर्ट तरीके से ही मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ। तो डी सॉर्टी ब्रिज है मेजर सी इन टर्म्स ऑफ सी, ये क्या करता है, कैपेसिटेंस को मेजर करता है, ये कैपेसिटेंस ब्रिज है। अब इसके बाद हम लोग ओन्स ब्रिज के बाद दोस्तों हम कैपेसिटेंस ब्रिज के बारे में देख रहे हैं। तो ये क्या करता है, मेजर सी इन टर्म्स ऑफ सी, दिस ब्रिज इज सूटेबल फॉर लॉसलेस कैपेसिटेंस ओनली, इतना आपको याद रखना है डी सॉर्टी ब्रिज के बारे में कि ये लॉसलेस कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है जनरली। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों शेयरिंग ब्रिज की बात करें, तो शेयरिंग ब्रिज मेजर सी इन टर्म्स ऑफ सी, अभी ये कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस को मेजर करेगा, किसके फॉर्म में मेजर करेगा, कैपेसिटेंस के फॉर्म में मेजर करेगा, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये मुझे बाद में पॉइंट्स पता चला तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे में लिखा है, इतना आप याद रखिए कि शेयरिंग ब्रिज क्या करता है, यूज फॉर मेजर लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस के लीकेज रेजिस्टर को मेजर करने के लिए शेयरिंग ब्रिज का यूज होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट ब्रिज की, वेंस ब्रिज की, ठीक है, वेंस ब्रिज की बात करें, इज अ फ्रिक्वेंसी डिटरमाइनिंग विच फाइंड एप्लीकेशन एज नॉच फिल्टर, इसको वेन ब्रिज जो होता है ये फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। वेन्स ब्रिज किस लिए यूज होता है, फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, और जनरली इसका हम जो यूज़ करते हैं वो नॉच फिल्टर की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ फ्रिक्वेंसी सेलेक्टर इन हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर में हम वेन्स ब्रिज का एज अ फ्रिक्वेंसी सेलेक्टर भी यूज करते हैं। तो ये दो दोस्तों जनरल बेसिक पॉइंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये हाई क्यू कॉयल लो क्यू कॉयल किसके लिए यूज होता है, ये सब आप याद रख लीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, जैसे आपने क्यू कॉयल्स देखा तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर वही है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है, अगर रजिस्टेंस कैपेसिटेंस
सर्किट है, तो आरसी टाइम कांस्टेंट होता है, और अगर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट है तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई आर होता है, ये आपको पता होगा, राइट। तो अगर ये सीरीज़ में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो इसका टाइम कांस्टेंट दोस्तों एल बाई आर होगा, राइट। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इसका टाइम कांस्टेंट 1 बाई टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज मीन्स आर बाई एल, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। तो अक्यूमेटर इज़ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच डायरेक्टली मेजर द वैल्यू ऑफ क्यू एंड बेसिस इट्स ऑपरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, सिर्फ ये पॉइंट आपको बताने के लिए मैं ये स्पीड क्यू क्यू कॉइल को पढ़ाने की या क्वालिटी फैक्टर को बताने की कोशिश किया कि जो सीरीज जो क्यू मीटर होता है वो सीरीज रेजोनेंस पे वर्क करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए बस। इट मेजर द वैल्यू ऑफ क्यू ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट इन अ सीरीज आर एल सी सर्किट एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज क्यू टाइम्स द वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। अब जैसा कि आपने सीरीज रेजोनेंस सर्किट देखा होगा आर सी, और यहाँ पे वोल्टेज वी अप्लाई करते हैं, तो रेजोनेंस के कंडीशन पे क्या होता है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, अगर वी सी की बात करें तो वो क्यू टाइम होता है अप्लाइड वोल्टेज के, ये आपको पता होगा। रेजोनेंस के केस में ये जो अप्लाइड वोल्टेज होता है इसमें क्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैपेसिटेंस अक्रॉस, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस मिल जाता है। तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है अभी तक के लेक्चर में। अब दोस्तों हम देखेंगे वो क्वेश्चन जो डायरेक्टली इनसे पूछे गए हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैच करना है कि वो ब्रिज किसके लिए यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया केल्विन ब्रिज किस लिए यूज होता है दोस्तों, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और व्हीट स्टोन ब्रिज किस लिए यूज होता है दोस्तों, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो ये इस मैच को आप ना देखते हुए बस ये रिवाइज करने की कोशिश करिए कि कौन किसके लिए यूज होता है। और अगर दोस्तों बात करें शेयरिंग ब्रिज की बात करें तो ये जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि ये कैपेसिटेंस ब्रिज होता है, ये कैपेसिटेंस को मेजर करता है इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस के। फिर लास्ट बचा एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज दोस्तों लो क्यू कॉयल को भी मेजर करता है, आपको पता होगा, और ये इंडक्टेंस ब्रिज होता है। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, फिर आप देखेंगे दोस्तों सेम क्वेश्चन, आप देखेंगे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। केल्विन डबल ब्रिज किसके लिए यूज होता है, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। वेन ब्रिज किसके लिए यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए वेन ब्रिज का यूज करते हैं। और शेयरिंग ब्रिज का दोस्तों किस लिए यूज करते हैं, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। अब बात करें मैक्सवेल की तो मैक्सवेल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ब्रिज या फिर इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मैक्सवेल ब्रिज का यूज करते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द ओवन ब्रिज सर्किट शोन बिलो विन बैलेंस द वैल्यू ऑफ एल एंड आर, मीन्स इस एल और इस आर की वैल्यू निकालनी है अगर ये बैलेंस कंडीशन में होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है बैलेंस कंडीशन में होगा तो इसका इम्पिडेंस अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा किसके, इसके इम्पिडेंस और इसके इम्पिडेंस के। तो सिंपली दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जेड वन की वैल्यू आप निकाल लीजिए, जेड वन इक्वल्स टू हो जाएगा आर वन प्लस 1 बाई जे ओमेगा C1, ठीक है। और यहाँ से जेड जेड फोर की वैल्यू कितना हो जाएगी आर एस, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे तो इनमें से कोई ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। आप प्लीज़ इसका प्रैक्टिस करिएगा और अगर आपको समझ में आया होगा तो इसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में। सेम दोस्तों देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसी टॉपिक पे बैलेंस कंडीशन में अगर है तो यहाँ पे सी और आर की वैल्यू पूछा गया है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही इजीली तरीके से दे सकेंगे। प्लीज़ आप एक बार इसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ही ब्रिज इज सूटेबल फॉर मेजरिंग इंडक्टेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हेज ब्रिज एच लीजिएगा, एच क्या होता है, एच मीन्स हाई, ठीक है। हाई क्यू फैक्टर को, हाई क्यू कॉयल्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो हाई क्यू कॉयल क्या था दोस्तों, क्यू ग्रेटर देन 10, यही था ना हाई क्यू कॉयल, तो यहाँ पे आप उसका आंसर देख सकेंगे, हैविंग क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 10, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हेज ब्रिज के केस में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केल्विन डबल ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। दोस्तों ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, अगर आपको पता है तो आप इसका 1 सेकंड में आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे, अगर आपको नहीं पता है
तो आप सोचते रहेंगे और कोई भी गलत आंसर लगा के चले आएंगे। तो प्लीज़ लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और इसे याद करने की कोशिश भी करिएगा। फिर से दोस्तों, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा गया। व्हीट स्टोन ब्रिज दोस्तों किस लिए होगा? फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए होगा, अगर सॉरी सॉरी रेजिस्टेंस मेजरमेंट, मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। और विन ब्रिज दोस्तों किस लिए होता है? फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। केल्विन डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए होता है। शियरिंग ब्रिज क्या करता है? कैपेसिटेंस को मेजर करता है। तो ये आप अगर एक बार पढ़ लिए हैं तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजीली तरीके से दे सकेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज ऑल्सो यूज एन ऑसिलेटर? ऑसिलेटर की तरह कौन सा ब्रिज यूज होता है? वेन ब्रिज। आपने आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे वेन ब्रिज ऑसिलेटर भी आप लोगों को पढ़ाया था। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर वहाँ पे भी यूज होता है फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे वेन ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे भी यूज होता है। तो ऑसिलेटर के लिए कौन सा ब्रिज यूज होता है दोस्तों? वेन ब्रिज होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस इज आइडली सुटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू इन द रेंज ऑफ। जैसा कि आपने देखा कि केल्विन डबल ब्रिज क्या करता है, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन सॉरी जिसकी वैल्यू लेस देन 1 ओम होती है, तो केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। और दोस्तों अगर 1 ओम से लेके 100 मेगा ओम के बीच में रजिस्टेंस है, सॉरी सॉरी 1 ओम से लेके 1 मेगा ओम या फिर 100 के ओम्स के बीच में अगर रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो वो मीडियम रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता था, उसे व्हीट स्टोन ब्रिज से मेजर करते थे। और अगर हाई रेजिस्टेंस की बात करें तो ग्रेटर देन 1 मेगा ओम के रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में लाते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमें सूटेबल आंसर देना है, तो ये तो लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों, ये भी मीडियम रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये भी मीडियम रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों बात करें इन इनमें से और इनमें से सुटेबल आंसर दोस्तों क्या होगा, ये सी वाला सुटेबल आंसर होगा। तो इस केस में सी हमारा परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और प्लीज़ दोस्तों अगर अभी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।